अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुदनान शाह टीपू और इस वक्त मैं 13 के सेट पे हूँ। ज़िंदगी में इंसान बड़े बड़े रोल करता है जिसमें आपको बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हर रोल ही एक चैलेंज होता है जिसको पढ़ते वक्त करते वक्त आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजरे होते हैं जो सिर्फ आप इमेजिन कर रहे होते हैं, और फिर जब उससे गुजरते हैं तो डेफिनेटली इट इससे आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। 13 मेरे लिए ऐसे एक्सपीरियंस है। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं नबील रहमान लुत्फी और प्रोड्यूस किया है शहबाज जैन ने और करीस फातिमा ने। नबील रहमान लुत्फी इज़ लाइक, अगर मैं ये कहूँ कि इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, और जो हम दोनों की कम्युनिकेशन है, हमने काफ़ी इस पर काम किया है, रिहर्सल्स की, क्या कहते हैं, द बेस्ट थिंग अबाउट हिम आई रियली लाइक इज़ दैट ही इज़ काम, शोर नहीं ज़्यादा करता, काम करता है, तो दैट इज़ ग्रेट। एंड ही नोज़ वट इज़ डूइंग एंड इज़ वेरी प्रिसाइज वट इज़ डूइंग। हाँ, एक तकलीफ हुई मुझे उससे कि थोड़ी सी तबीयत जल्दी इसकी ख़राब हो जाती है, एंड मैं उसके लिए बड़ा कंसर्न था बिकॉज ही इज़ कैप्टन ऑफ द शिप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे डांट डांट के और उस तरह से करके हमेशा उसे कहा कि गड़प गड़प माई बॉय, तो वी आर डूइंग इट। और नबील जो है वो इज़ मेरे ख्याल में मैंने कम लोगों में इतना फिल्म का क्रेज़ देखा है जितना नबील को है। तो ऑल द बेस्ट मिस्टर लुत्फी, आई होप यू विल डू वंडर्स। एंड क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो आप भी छोटे भाई हैं, तो आपकी तारीफ़ें मैं आपके बात करता हूँ, आपके सामने ज़्यादा तारीफ़ करना मुश्किल होगा मेरे लिए, बट यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। 13 मेरे दिल के बड़ा करीब है। 13 इसलिए मेरे दिल के बड़ा करीब है कि इसके लिए मैं ये तो खैर करेक्ट कोई मैं ऐसी कुर्बानी भी नहीं कहता। टू मी इट्स अ वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल प्रोसेस फॉर एन एक्टर टू डू वट एवर यू कैन डू टू जस्टिफाई हिज रोल। इस रोल की डिमांड थी और मैंने हंसी खुशी किया, एंड द एक्सपीरियंस इज़ गुड। द स्क्रिप्ट इज़ मैंने मुझे जो अक्सर लोग कहते हैं ये बड़ा यूनिक और डिफरेंट स्क्रिप्ट है, मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि वो सैफुद्दीन सैफ का एक शेर है, सैफ अंदाजे में अब बात बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नहीं है। इट्स द वे हाउ वी आर डूइंग इट, जैसे हम कर रहे हैं। द स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंटेंस एंड द स्क्रीन प्ले इज़ वेरी इंगेजिंग। और इस वक्त भी हम लोग जो है हॉक्स पे आए हुए हैं और सारी रात की शूट थी, एंड वी इंजॉयड इट बिकॉज जब आपकी मेहनत आप कर रहे होते हैं और उसको, मुझे लगता है मेरा ग्रेट और फिल्मर का जो है कॉन्सेप्ट, आई थिंक इट्स मे बी माई ओन और इट्स डिफरेंट के आई इंजॉय द प्रोसेस, मुझे ये करते हुए मज़ा आ रहा है। अब अल्लाह मियाँ हम सबको कामयाबी दे क्योंकि इसमें हम सबकी बड़ी मेहनत शामिल है। जहाँ तक मेरे किरदार की बात है तो हम हमेशा ही कहते हैं बड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये वाकई डिफरेंट है बिकॉज आपने मुझे गंजा नहीं देखा होगा, और मज़ा आ रहा है। सुना है कि तीसरा खाना खुल जाता है, मेरा भी खुला है, और ये है कि इट्स वेरी वेरी इंटेंस, इट्स ए वेरी वेरी इंटेंस। वट ही लुक्स ही इज़ नॉट एंड वट ही इज ही डजंट लुक, तो ये काफ़ी होगा आपके लिए। इससे सस्पेंस थ्रिलर, इससे मिस्ट्री थ्रिलर, इससे समथिंग सम ऑफ दोज रोल विच आर स्टे विद यू ऑल योर लाइफ। तो इससे फॉर मी दैट हर रोल ही आपके लिए बड़ा अजीज़ होता है, लेकिन कुछ रोल ऐसे होते हैं जो आपको, मेरा ख्याल है कि इस रोल को करते हुए जिस मैं अपने इमोशनल पेन से गुजरा हूँ, मेरा ख्याल है पूरी ज़िंदगी में किसी रोल करते हुए इतने इमोशनल पेन से नहीं गुजरा। सो माय बेस्ट विशेज आर विद माय टीम, मेरे साथ इसमें हैं माय ब्रदर, माय ग्रेट फ्रेंड एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट एक्टर सलीम मेरा साहब, उसके साथ तकी हैं, उसके बाद इफ्रा हैं, उसके बाद हमारे जो कुछ नए लोग हैं, ऑल वी आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड इट्स ए लेबर ऑफ लव एंड आई होप दिस विल टच यू। 13 अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तकी अहमद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मूवी 13 के सेट पे। अच्छा, ये फिल्म
मिले हुए मुझे मेरे ख्याल एक हफ्ता ही हुआ है, मेरे ख्याल सबसे आखिर में मैं ही कास्ट हुआ उसके अंदर। काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन फेस करने को मिला मेरे डायरेक्टर नबील को कि यार क्योंकि मूवी के अंदर जो मेन लीड कास्ट थी वो अदनान शाह टीपू और सलीम मिराज, और उसके साथ अगर कोई कैरेक्टर चल रहा है तो वो मेरा था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा यार इतने बड़े ह्यूज टैलेंट के साथ तीसरा नाम आप उसको ये यंग लड़का कास्ट कर रहे हैं, तो मेरे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन जो फर्स्ट डे शूट का था मैंने बहुत जान मारी, और जब मैंने क्लैप लिया सेट पे अपने शॉट के बाद तो उस वक्त फिर लाइक मैं बहुत रिलैक्स हो गया था। तो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर नबील भाई जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतने ज़्यादा टैलेंट से भरी हुई कास्ट वाली मूवी के अंदर काम कर सकूँ। अच्छा, ये आपने अगर आप वेब सीरीज़ वगैरह देखते हो तो उस तरह की स्टोरीज हमारी पाकिस्तानी कंटेंट में बहुत मिसिंग है, तो ये वही वाला फ्लेवर है। ये बिल्कुल ये मूवी कमर्शियल नहीं है, ये मूवी सस्पेंस से भरी हुई है और हैवी लोडेड परफॉर्मेंस से भरी हुई है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं सलीम मेराज और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त हमारी नई आने वाली पाकिस्तानी न्यू नए एरा की फिल्म जिसका नाम है 13 इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं शाहबाज जैन और कनीज फातिमा। अच्छा, इस फिल्म को लिखा है हमारे दोस्त हैं नबीलुर रहमान ने, डायरेक्ट भी वही कर रहे हैं, और कास्ट इस फिल्म की बहुत अच्छी है। हमारे हरदिल अजीज दोस्त अदनान शाह टीपू इस फिल्म में कहने को टाइटल रोल प्ले कर रहे हैं, मैं भी इस फिल्म में एक अच्छा सा रोल प्ले कर रहा हूँ। तकी है, इफ्रा है, और बाकी भी ज़ाहरी तौर पे उनकी अपेरेंस कम है फिल्म में, लेकिन उनके दूसरे एक्टरों के भी काम बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा मर्डर मिस्ट्री और डिफरेंट सा कंटेंट है, और ट्रीटमेंट मैं इस बात का कायल हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि स्क्रिप्ट अच्छे या बुरे हो सकते हैं, लेकिन उसको जो अच्छा बनाता है वो फिल्म का डायरेक्टर अपनी ट्रीटमेंट से बनाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस फिल्म को अच्छी तरह से ट्रीट किया जा रहा है और मेहनत से शूटिंग की जा रही है, तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली एक बहुत ही अच्छी फिल्म, इसका नाम है 13। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुधरा कंवल है और मैं फिल्म 13 का हिस्सा हूँ। फिल्म 13 जो है पाकिस्तान सिनेमा इंडस्ट्री में जो है एक नया और एक यूनिक फिल्म है, एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा हमारे डायरेक्टर नबीलुर रहमान लुफी के साथ, इट वाज वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा रहा। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम एक्टिंग, एंड उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की, वेरी गुड कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग। सो को एक्ट्रेस के साथ मेरा जो काम रहा, इट वॉज वेरी अमेजिंग, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बड़े बड़े एक्ट्रेस थे, उनके साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट टाइम, इट वॉज नॉट ईजी, बट जिस तरीके से उन लोगों ने हेल्प आउट की, जिस तरीके से उन लोगों ने उस चीज़ को खूबसूरती से बनाया, उसने मुझे बहुत हेल्प आउट की, एंड इट वॉज वेरी अमेजिंग। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नबील रहमान, फिल्म 13 का राइटर और डायरेक्टर और इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं शहबाज जैन और तनवीर फातिमा हैं प्रोड्यूसर्स हैं इसका नबील। उसके अलावा इस फिल्म में मरकजी किरदार निभा रहे हैं अदनान शाह टीजू, सलीम मराज और इसमें मेरे साथ हुसैन मजीद, तकी अहमद, मोहब्बत अली खान, सिरवा कवल और बहुत सारे हमारे लोग जिन्होंने छोटे बड़े बहुत सारे फिल्म करेक्टर्स किए। फिल्म बड़ी डिफरेंट जॉनर से है और फिल्म में क्राइम थ्रिलर मूवी है, एक सीरियल थ्रिलर बेस्ड मूवी है जो मूवी वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम आती है। ट्रेलर इसका ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है, ट्रेलर इसका ऑलरेडी आ चुका है, लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं, आपके भी फीडबैक्स आ रहे हैं और इस फिल्म को हम रिलीज करें 29 सितंबर को। फिल्म बहुत मज़ेदार है और आपको यकीनन देख के बहुत मज़ा आने वाला है। वैसी ट्रेलर में है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है जो कि 29 सितंबर को आप अपने कंट्री सिनेमा में देख सकेंगे। फिल्म की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे साथ कर रहे हैं मेट्रो लाइव मूवीज़ और इस फिल्म को मेट्रो लाइव मूवीज़ के थ्रू ही पाकिस्तान में रिलीज किया गया है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम शहबाज जैन है, मैं नबील रहमान के साथ तकरीबन 12-13 साल से काम कर रहा हूँ, आई गेस 2009 और 10। तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था, कुछ कमर्शियल्स बनाए थे, कुछ म्यूजिक वीडियोस बनाई थी, कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई थी, देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ फीचर मूवी। अभी एग्जीक्यूटिव दो मूवी हमने प्लान की थी जिसमें एक जुगाड़ था, जुगाड़ मूवी है जिसका मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ और जो अभी करंट चल रही है वो है 13 यानी 13 मूवी का नाम है 13 जिसका मैं क्रो प्रोड्यूसर हूँ। मैं इस मूवी को इस नजर से देखता हूँ कि इसमें एक बाप का प्यार दिखाया, ठीक है थ्रिल मूवी है, सीरियल किलर है, बट बिहाइंड द ऑल सीन्स एक फादर और डॉटर का प्यार दिखाया इसमें। नबील रहमान जिसने फिल्म लिखी और डायरेक्ट करा, आई हैव कम्प्लीटली बिलीव इन एंड फेथ ऑन हिज एबिलिटीज, ही इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दीज मूवीज एंड ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर, वी हैव बीन वर्किंग सिंस टुगेदर। तो आपका साथ और प्यार चाहिए, see you at cinema very soon। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज वाज अली खान, हम एक मूवी कर रहे हैं जिसका नाम है 13। प्रोड्यूसर्स ऑफ द मूवी आर कनीज फातिमा एंड शहबाज जैन, राइटर एंड डायरेक्टर हैं नबीलुर रहमान लुत्फी, अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। जो कास्ट है मूवी की वो है अदनान शाह टीपू, एज यू ऑल नो बहुत अच्छे वर्सटाइल एक्टर हैं, सलीम मेराज वन ऑफ द बेस्ट, तकी अहमद माय फेवरेट, इफ्रा एंड माय सेल्फ वाज। The story is about a normal person becoming a psychopath serial killer और उसका एक chase sequence है और मतलब एक mystery है जो killings होती हैं और उसके अंदर मैं जो हूँ एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ और जो सीरियल किलर हैं वो हैं अदनान शाह टीपू और उनको एक जो है वो मतलब बड़ा सस्पेंस है इसके अंदर और बड़ा थ्रिलर है इसके अंदर, मतलब बहुत अच्छी मूवी है और इस स्टोरी लाइन पे आज से पहले इस एंगल से किसी ने काम नहीं किया और जिस तरीके से नबील रहमान लुत्फी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट है, अब तक पाकिस्तान में ऐसी मूवी को इस तरीके से किसी ने नहीं बनाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करेगी और आप सब लोग इसको ज़रूर देखने आए, डू वॉच द मूवी प्लीज़।